नारायण नारायण। सज्जन ने पूछा है, क्या मनुष्य मात्र की सेवा ही भगवान की पूजा है? देखो, सेवा ही पूजा है ऐसा नियम तो ठीक नहीं है। अनेक रूप से भगवान की पूजा होती है। पूजा करने के बहुत प्रकार है। जैसे भगवान को गंध चढ़ाते हैं, गंध है गुण पृथ्वी का, तो समग्र पृथ्वी का गुण गंध जैसे सिमट के ही तेरे आ रहा हो और उसको चंदन के रूप में धूप के रूप में भगवान को समर्पित कर रहे हैं। जल से जितने प्रकार के खट्टे मीठे सरपरे नमकीन रस बनते हैं, वो सब रस भगवान को चढ़ा दिया ये पूजा होगी। तीज तत्व से जितने रूप बनते हैं, लाल काले पीले नीले बड़े सुंदर सुंदर, वो संपूर्ण सौंदर्य का सार खींच के भगवान को चढ़ा दिया और पूजा है। समग्र वायु का सार पंखे से धर दिया, संपूर्ण शब्द का सार स्तुति के रूप में घंटा नाद के रूप में भगवान को चढ़ा दिया। भगवान की चीज है सब की सब और भगवान के आदमी है सब के सब। जितने प्राणी हैं, जितने जीव हैं, सब भगवान के हैं और जितनी वस्तुएं हैं सब भगवान की हैं। इसलिए उनको भगवान की समझना, भगवानमय समझना, ये भगवान की पूजा है। फिर अब इसी में देवता की पूजा करना भी भगवान की पूजा है, संत की पूजा करना भी भगवान की पूजा है, पति की पूजा करना भी भगवान की पूजा है, माता की पूजा करना, बेटी की पूजा करना, बेटी माँ बहू माँ, परमंत राम कृष्ण को अपनी पत्नी के रूप में भगवान की पूजा करते थे। इसलिए हमारे भगवान जो है वो केवल मनुष्य ही नहीं है, प्राणी मात्र है और वस्तु मात्र है और व्यक्ति मात्र है। मत्स्य के रूप में भगवान की पूजा, कच्छप के रूप में भगवान की पूजा, वराह के रूप में भगवान की पूजा, सिंह के रूप में भगवान की पूजा, घोड़े के रूप में पूजा। तो पूजा में अपना भाव होना चाहिए कि हम ये भगवान की पूजा कर रहे हैं। मनुष्य मात्र की पूजा कहने से जो प्राणी मात्र छूट जाते हैं, पशु हैं पक्षी हैं। देखो, हम लोग तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, बेलपत्र की पूजा करते हैं, पशुओं में गाय की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, तो जल की पूजा करते हैं, गंगा जल की, समुद्र की, अग्नि में होम करते हैं, प्राण में भगवत बुद्धि करते हैं। तो पूजा को केवल एक सीमा में लाना ही पूजा नहीं है, सर्व रूप में भगवान की सर्व भाव से पूजा करना है। हाँ, मनुष्य मात्र में पूजा करना भी भगवान की पूजा है। ये बात श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंध में बहुत स्पष्ट रूप से कही गई है। तो हम तो भगवान कहते हैं, अहम उच्चावचयित द्रव्य क्रियोत्पन्नया नगे नयो तुष्योर्चायाम भूतक ग्राम अवमानना। जो किसी प्राणी का अपमान करता है, वो चाहे कितने वैभव से हमारी पूजा करे, मैं उससे संतुष्ट नहीं होता हूँ, क्योंकि संपूर्ण प्राणियों के भीतर मैं ही बैठा हुआ हूँ। विशत परकायो मानो भिन्न दर्शिना भूतेषु बद्ध वैरस्य न शांति मृक्षति। संपूर्ण प्राणियों के हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। जो किसी से भी बैर करता है, उसके मन में शांति कभी नहीं हो सकती।
क्योंकि बैर और शांति दोनों हृदय में रहते हैं और दोनों का जगुपत्य नहीं है। जिस हृदय में बैर रहेगा उसमें शांति नहीं, जिसमें शांति रहेगी उसमें बैर नहीं। इसलिए तस्मात् सर्वेषु भूतेषु भूतात्मानं कृतालयं अर्हेत्तानमानाभ्यां मैत्रिया भिन्नेन चक्षुषा। संपूर्ण भूतों में क्या अकेले मनुष्य नहीं है, सब में, सबके आत्मा के रूप में, सबके शरीर को मंदिर बनाकर भगवान बैठे हुए हैं। इसलिए सब में भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसका अर्थ है अपने हृदय में भगवान की पूजा का भाव होना चाहिए। यदि अपने हृदय में पूजा का भाव होगा तो जहां देखेंगे आप वहीं भगवान की पूजा होती चलेगी, और यदि अलग अलग चीजों में छांट छांट के पूजा करेंगे तो साधन के रूप में तो वो भी ठीक है, लेकिन अंततोगत्वा होना यही है कि सब में भगवान है और सब भगवान है और आत्मा भगवान है और भगवान के सिवाय, आत्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। तो अंत में जहां पहुंचना है उनके अनुकूल जो उसकी पूजा होती है, अरे दान माना अभ्याम, शक्ति हो तो दान करो, दान करने की शक्ति न हो तो सम्मान करो। यदि सम्मान भी न कर सकते हो तो मित्रता का भाव रखो और अभेद दृष्टि रखो, जैसा आत्मा परमात्मा इस शरीर में है वैसे सबके शरीर में है। तो भगवान की जो पूजा है, समत्व आराधन अच्युत प्रताप ने कहा भगवान की आराधना क्या है, तो भगवान की आराधना है सब में भगवान को देखना। इसलिए भगवान की पूजा आज पाप पद पद पर करिए, क्षण क्षण में कीजिए, इंच इंच में कीजिए, कण कण में कीजिए। सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत, जो भगवान को पहचान लेता है वो सर्व भाव से भगवान की आराधना करता है। सबके रूप में भगवान है ये भी एक सर्व भाव है, और अपने दिल में जितने भाव है उन सब भावों से भगवान की आराधना करना है। बस भगवान की आराधना करने से कोई बचता नहीं है। जैसे पेड़ के जड़ में पानी देने से उसकी डाली में, पत्ते में, फूल में, फल में सब जगह पहुंच जाता है, इसी प्रकार भगवान की पूजा करने से केवल मनुष्यों को ही नहीं संपूर्ण प्राणियों की भी पूजा हो जाती है। तो एक माता जी ने पूछा है, हमारे इष्ट भगवान श्री कृष्ण और हम उन्हीं का ध्यान करते और गुरु मंत्र निराकार का है, निराकार ध्यान करते ही हमारा मन साकार में पहुंच जाता है, कृपा करके हमें निर्देश करें कि हमें क्या करना चाहिए। देखो, बिना साकार के तो निराकार देखा ही नहीं जा सकता, एक कल्पना की चीज रह जाती है। पहले आकार को देखते हैं, जैसे एक कंगन देखो साकार है, हार देखो साकार है, कुंडल देखो साकार है, उसमें सोना है। आकार अलग अलग होने पर भी सोना एक ही है। अब कहो कि सोना तो साकार है, तो सोना क्या है? जब आगे आपको सोना अपना स्वरूप प्रकट करेगा तो चूरे का नाम सोना है, सिल्ली का नाम सोना है, वो तो सोना नहीं सिल्ली है, वो तो चूरा है। अच्छा, खौलता हुआ जो द्रव है सोने का उसका नाम सोना है, तो द्रव तो द्रव है, सिल्ली तो सिल्ली है, चूरा तो चूरा है, हार कंगन तो कंगन है। अंत में जब सोने का अनुसंधान करोगे तो वो आपकी आत्मा से अलग सोना मिलेगा ही नहीं। अंत में सोना एक निराकार तत्व है।
वो नहीं निराकार तत्व है। तो इसी प्रकार साकार चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शिव हो, चाहे विष्णु हो, चाहे गुरु हो, जिनका आप ध्यान करते हो, उस आकार में जो मसाला है, मैटर है, वो निराकार ही है। जितनी जितनी आपकी दृष्टि पकड़ेगी, दृढ़ होती जाएगी, उतने उतना आपको अपने इष्ट देव का सब में दर्शन होने लगेगा। तो ये कोई बुरी बात नहीं है कि आप निराकार के मंत्र का जप करते हैं और साकार का ध्यान होता है। आप खूब साकार का ध्यान कर लीजिए, उसमें से निराकार निकल जा रहे हैं। बात ये है कि आपकी इंद्रियां जो चीज मांगती हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध सुख दुख मोह, आपकी इंद्रियां मांगती हैं कि हमको मीठी आवाज चाहिए, हमको छूने के लिए बहुत सुकुमार चाहिए, हमको देखने के लिए बहुत सुंदर चाहिए, हमको चखने के लिए बहुत मीठा चाहिए, सूंघने के लिए बहुत सुगंध चाहिए, हम उसी के लिए रोवे, उसी के लिए हंसे, न रहे, उसी में डूब जाए। तो इन इंद्रियों की मांग पूरी करने के लिए जब ईश्वर का पहले साकार रूप में चिंतन करते हैं, तो धीरे धीरे जड़ता मिट जाती है और वही साकार अधिष्ठान चेतन के रूप में अपने आत्मा के रूप में प्रकट हो जाता है। इसलिए भगवान के रास्ते में चलने वालों के लिए डरना नहीं चाहिए, भगवान स्वयं आगे चलने पर रास्ता बता देते हैं। असल में जो जहाँ रहता है, गड्ढे में कोई गिरेगा तो गड्ढे में हाथ लगा के उठ के खड़ा होगा। हमारी इंद्रियां, हमारा मन नाम रूप में लगे हुए हैं, इनको उठाने के लिए भी भगवान का नाम रूप ही चाहिए। इसलिए साकार में निराकार रहता है और निराकार में साकार रहता है। आपके गुरु ने जैसे बताया है वैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपका साकार भी निराकार हो जाएगा, और यदि आपका भाव ही प्रबल होगा तो निराकार भी साकार हो जाएगा। भगवान को निराकार से साकार होने में या साकार से निराकार होने में कोई तकलीफ नहीं होती है, आपके केवल भाव की ही बात है, जैसा भाव रखे वैसा होगा। ने पूछा है भक्ति और ज्ञान में क्या फेर है, एवं दोनों में सुगम कौन है? क्या बताए भाई, सुगम कौन थी? मैं जब जब साइकिल पर बैठा तब सब पट से गिर पड़ा। अब हमारे लिए तो साइकिल चलाना आगम है, छूटे ही नहीं है। देखो कम से कम 60-55 बरस से तो कोशिश नहीं की होगी साइकिल छूने की, और हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे महाराज बैठते भी नहीं है साइकिल पर, ऐसे ही फराफर चलाते चल जाते हैं, दोनों हाथ छोड़ के चलाते हैं साइकिल। और साइकिल के खेल भी देखे हैं, क्या अभ्यास होता है उनका महाराज। तो सुगम क्या है, अगम क्या है, जिसको आप अभ्यास में ले आवेंगे वो आपके लिए सुगम हो जाएगा। प्रेम से अभ्यास कीजिए माने दोहराइए, अभ्यास माने दंड कसरत या प्राणायाम या आसन नहीं, जिस काम को भी आप दोहरावेंगे उसी को अभ्यास कहते हैं संस्कृत में। दोहराना हिंदी का शब्द है और अभ्यास करना संस्कृत का शब्द है। ये मत सोचिए कि इसकी हमको आदत पड़ गई है, आदत भी 2-4 दिन दोहराने से पड़ती है और 2-4 दिन छोड़ देने से छूट जाते हैं। तो भक्ति और ज्ञान में कोई सुगम और अगम नहीं होता है। आप जिज्ञासु हैं कि प्रेमी हैं, तो प्रेमी के लिए भक्ति सुगम है और जिज्ञासु के लिए ज्ञान सुगम है। अब ये रहा कि वस्तु ही कोई सुगम अगम होती हो, जिनको वेदांत का अभ्यास है वो चुटकियों में महाराज नाम साधारण बातचीत में भी नाम रूप
क्रियात्मक प्रपंच को खट से उड़ा देते हैं, और जिनको उसकी पहचान नहीं है, जानकारी नहीं है, उनके लिए वो बहुत कठिन होता है। इन्हें देख रहे हैं दुनिया इतनी बड़ी, ये कैसे ना हो सकती है। तो असल में चीज तो सब सुगम है, सब अगम है। आपका हृदय कहाँ है? यदि आपका हृदय भगवान की लीला कथा सुनकर, चरित्र सुनकर, भूत का सुने चाहे भविष्य का सुने चाहे वर्तमान का सुने, वो तो अपरोक्ष तो हो गई होगा। यदि हम वर्णन करेंगे कि देखो ये है गोकुल और इसमें है नंद महल और इसमें जसोदा मैया अपने लाला के लिए दही मथ रही हैं और मक्खन निकाल के सब मक्खन लाला को देती जा रही है, वो खाते जा रहे हैं, मुंह में सफेद सफेद सारे मुंह पर सफेद सफेद मक्खन के कण लग गए हैं, गले में बजना है, पीतांबर है। अब महाराज आप जब ये सुनेंगे, हाँ एक दिन ऐसा, लेकिन जो आपको प्रतीति होगी वो तो अपरोक्ष ही होगी। इसलिए रसानुभूति के बारे में जो न्यायिक साहित्यिक हैं उनका पक्ष है कि हमारा मन ही भूत में चला जाता है और उससे एक होकर के अनुभव करता है। हमारा मन परोक्ष में जाता है और उस वस्तु को देखने लगता है। कोई कहते हैं जब लीला होती है तब देख के ध्यान आ जाता है, कोई कहते हैं हमारी कल्पना वैसी बन जाती है तब हम अपने मन में देखते हैं। वेदांतियों का कहना है, साहित्यिकों में भी नैयायिक अलग है और मीमांसक अलग है और वेदांती अलग है। वो कहते हैं हमारे अंतःकरण में श्री कृष्ण हैं, नाच रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हमारी ही आत्मा श्री कृष्ण की आत्मा है। जो श्री कृष्ण नाच रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, वो अलग से कहीं आत्मा लेके नहीं आए हैं, अलग से चेतना लेके नहीं आए हैं। हमारे अंतःकरणावच्छिन्न जो चैतन्य है वही दृश्यमान श्याम सुंदराकारावच्छिन्न चैतन्य से एक होकर नाच रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, नारायण। तो एक परोक्ष की भक्ति होती है, एक प्रत्यक्ष जो लीला हो रही है उसकी भक्ति होती है, एक हृदय में जो अपरोक्ष भगवान है उनकी भक्ति होती है, और एक अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य की विषयावच्छिन्न चैतन्य से एक होने पर। असल में जो अंतःकरण में चेतन है वही अंतःकरण में दिखने वाले में भी वही चेतन है। तो सुगम अगम की बात यही है कि हमारा मन जिस स्थिति में है, भगवान की का नाम सुन के, लीला सुन के आपके शरीर में रोमांच होता है, आपकी आंखों में आंसू आते हैं, आपका कंठ गदगद होता है, आपका हृदय नारायण प्रेम से भर करके प्यारे 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 बोलता है, भक्ति आपके लिए सुगम है। और यदि आपका हृदय ऐसा है महाराज कि न नाम का असर पड़े, न कथा का असर पड़े, न लीला का असर पड़े, ज्यों का त्यों कठोर, तो कठोर में भी जो विषयाकारता है उसको दूर को करना ही पड़ता है, और चाहे आग लगा के उसको जलाओ और चाहे उसको गला के उस आकार को निकाल दो। तो यदि आपका हृदय साधारण बातों से द्रवित नहीं होता है तो आप तत्व ज्ञान के मार्ग में बढ़िए, आपके लिए सुगम हो जाएगा। तो जिसका चित्त द्रुत नहीं होता है, पिघलता नहीं है, उसके लिए ज्ञान का मार्ग सुगम होता है, और जिसका चित्त पिघल जाता है उसके लिए भक्ति का मार्ग सुगम होता है। तो भक्ति और ज्ञान में कोई फर्क नहीं है, लेकिन हमारे हृदय के लिए भक्ति अनुकूल पड़ रही है कि हमारे हृदय के लिए तत्व ज्ञान अनुकूल पड़ रहा है, ये हृदय की स्थिति पर, अधिकारी की स्थिति पर निर्भर करता है।
और जहाँ अयोध्या में जाओ वहाँ का संस्कार, वृंदावन में जाओ वहाँ का संस्कार, काशी में जाओ वहाँ का संस्कार, नारायणपुरी में जाओ, श्रीरंगम में जाओ तो वहाँ का संस्कार। ये संस्कार को अलग अलग बनी जाते हैं। यदि आप निराकार पाना चाहते हैं तो जो निराकार का विचार करने वाले, चिंतन करने वाले, मनन करने वाले जो महात्मा है उनका संग कीजिए, सुगम हो जाएगा। और यदि आप भगवत भक्ति चाहते हैं तो भक्ति करने वालों का संग कीजिए, जिनके हृदय में भगवान की भक्ति है, उनके शरीर में से ऐसी हवा निकलते हो तो उनके पास जाने वाले भक्त हो जाते हैं। तो भक्ति और ज्ञान दोनों ही सुगम है, दोनों ही कठिन है। जो जिसका अधिकारी है उसके लिए वो सुगम होता है। या जो पहले ज्ञान का संस्कार जिसको है, पूर्व जन्म का या इस जन्म का, सुनते ही खट से उसकी बुद्धि वहाँ पहुँच जाएगी, और जिसको भक्ति का संस्कार है उसी खट से बुद्धि वहाँ पहुँच जाएगी। तो नारायण इसी से साधन जो शुरू करना चाहिए वो अपनी कक्षा से शुरू करना चाहिए तो झट उन्नति हो जाएगी। और बहुत ऊंचा तारीफ सुन सुन के बहुत ऊंचा साधन शुरू कर देंगे तो पकड़ में तो आवेगा नहीं, बार बार गिरते जाएंगे। लेकिन गिरने पर भी आप उठिए प्रेम से और आगे बढ़िए और आगे बढ़िए, देखिए सब सुगम हो जाएगा आपके लिए। कहा भगति पथ कवन प्रयासा, जो बन जब तक मकु सुभाषा, सहज सुभाष। तो चलिए तो किसी तरफ। आपको यदि भगवान से मिलना है तो आप कठिन साधन से डरते क्यों? कठिन से कठिन करने के लिए तैयार हो जाए। चाहते हैं भगवान को और डरते हैं कठिन साधन से। इतना बड़ा लक्ष्य चाहते हैं नारायण, अरबों रुपया तो का तो लाभ चाहते हैं और 10 लाख रुपया खर्च करने में डरते हैं, कठिन क्या होता है? इसलिए नारायण अपने हृदय की स्थिति को देखकर अपने सदगुरु के उपदेशानुसार आगे बढ़ना चाहिए। तो ये सब सात्विक ही है, वो जितने हैं ना, ये श्रवण नवधा भक्ति है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये सब सात्विक ही है। जहाँ केवल भगवान ही विषय होते हैं वहाँ भक्ति भी निर्गुण हो जाती है, और बाकी जो कुछ किया जाता है श्रवण मनन निधि ध्यासन वो सब का सब सात्विक होता है। सत्वगुण के उद्रेक से ही हमारी वृत्ति उसमें सुख का अनुभव करती है, नहीं तो मजे ही नहीं आएगा। और रहे भगवान तो भगवदाकार वृत्ति तो बिल्कुल निर्गुण है, और उसमें प्रपंच के प्रकृति के कोई जोड़ है। आप पहले से ही विचार ही मत कीजिए कि क्या राजसिक, क्या सात्विक, क्या तामसिक। अपने मन को, अपने तन को, अपने कर्म को भगवान में लगाने का प्रयास कीजिए। जैसे भगवान है वैसे आप हो जाएंगे। आप जैसे भगवान नहीं होंगे, जैसे भगवान होंगे वैसे आप हो जाएंगे। देखो गंदा नाला गंगा जी में गिरा देते हैं, गंगा जी गंदा नाला नहीं बनती है, गंदा नाला ही गंगा जी बन जाता है। इसलिए आप जैसे हैं सात्विक राजा स्थान, अपने आप को भगवान के साथ जोड़िए तो जोड़ेंगे तो आपको भगवान ही साफ करके, पहले वो आपको स्नान करा देंगे, आपका मैल छुड़ा देंगे, आपको अपने हृदय से लगाने के योग्य बना देंगे। भगवान को सब काम करने का है। तो उद्धव जी के ज्ञान मार्ग तथा गोपियों के भक्ति मार्ग में कौन से? आप स्वयं क्या हैं, उद्धव जी हैं कि गोपी हैं? मार्ग श्रेष्ठ कनिष्ठ नहीं होता है, चलने वाले श्रेष्ठ कनिष्ठ हो सकते हैं। इसलिए उद्धव जी का ज्ञान मार्ग भी श्रेष्ठ है और गोपियों का प्रेम मार्ग भी श्रेष्ठ है। एक बात आपको ध्यान में रखने के लिए सुना देता हूँ। उद्धव जी जब ब्रज में गए थे तब ज्ञानी थे क्या?
गायकों ने बहुत पजीता किया है उद्धव जी का, लेकिन भागवत में ज्ञान उद्धव जी को तब हुआ जब भगवान श्री कृष्ण मर के लोग छोड़कर अपने धाम में पधारने लगे और उद्धव जी ने भगवान की शरण ली और भगवान ने उनको तत्व ज्ञान का उपदेश किया। दृष्टि माया में वो उपदेश 7 श्लोकों में भागवत में है। तो जब उद्धव जी ब्रज में आए थे तब उनको ज्ञान का अभिमान था कि मैं बड़ा भारी विद्वान हूँ, बृहस्पति जी का शिष्य हूँ, जगवंशियों का मंत्री हूँ और श्री कृष्ण भी बीच बीच में हमसे सलाह पूछते हैं। तो उनको ज्ञान का अभिमान था। वो ज्ञान का जो अभिमान था वो प्रेम से गल गया। गोपियों के प्रेम के जब बीच में आया तब उद्धव जी ने अनुभव किया कि ये तो बाबा हमारा ज्ञान नहीं था, ये तो प्रेम ही था। तो नारायण उद्धव जी का ज्ञान मार्ग जो है वो तो अभी शुरू ही नहीं हुआ था जब गोपियों के पास आए थे। जब अंत में भगवान श्री कृष्ण से ज्ञान लिया उन्होंने और भगवान ने कृपा करके दिया तब उनको सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। इसलिए यदि आपका अभिप्राय ये हो कि उद्धव जी का ज्ञान मार्ग बहुत कनिष्ठ है और गोपियों का प्रेम मार्ग बहुत उत्कृष्ट है तो आप ये बात ध्यान में रखिए कि उद्धव जी को ज्ञान तो हुआ ही तब जब अंत में जाते समय प्रभास क्षेत्र में या द्वारका में दोनों तरफ की बात आती है दो कंकों की। तो जब भगवान ने ज्ञान दिया तब अब उसके बाद की बात आप देख रहे आप गीता ही पढ़ लीजिए ना, उसमें क्या है। पूरी की पूरी पोथी आपको कैसे समझावे। कर्म योग की बात यह है कि साधारण रूप से जब आदमी कर्म करता है तब उसमें कर्तापन का अभिमान होता है, मैं करने वाला हूं, और वासना होती है कि ये काम करने से हमको अमुक सफलता मिलेगी और उस सफलता का मैं भोग करूंगा। सामान्य रूप से मैं करूंगा, कर रहा हूं या किया है, ठीक है, अच्छा किस लिए कर रहे हैं, का अमुक वस्तु अमुक स्थिति प्राप्त करने के लिए, अप्राप्त की प्राप्ति के लिए, अपूर्व की प्राप्ति के लिए, अदृष्ट की प्राप्ति के लिए, अपूर्व की उत्पत्ति अदृष्ट की उत्पत्ति के लिए आप कर्म कर रहे हैं। तो एक तो है अपने में कर्ता भाव, दूसरे कर रहे हैं कर्म, तीसरे उसके कर्म के फल की वासना है और वो फल यदि मिल गया तो आप उसके भोक्ता बन जाएंगे। बस ये है साधारण कर्म का स्वरूप। निष्काम कर्म जो होता है उसमें उसमें पहली बात तो ये है कि वासना जो है वो ढीली पड़ती है। निष्काम कर्म का अर्थ ही होता है निर्वासन कर्म। आप निस्वार्थ भाव से कर्म कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, और उसमें देखिए मार्ग में पड़ा है, एक स्थिति ये हुई। अब उसमें से शास्त्र ने, संत ने, सत्पुरुषों ने उसको जगाया कि नहीं भाई निकम्मे रहना ठीक नहीं है, तुम कुछ काम करो। अब जब काम करने के लिए उठा तो बुरे बुरे काम करने लगा, चोरी करने लगा, जुआ करने लगा। तब संत शास्त्र ने कहा कि नहीं बेटा, ये बुरे काम है, इनसे आदमी जड़ हो जाता है। देखो शराब पीने से बुद्धि भ्रष्ट होती है, ये आपको मालूम है, और बेहोश हो जाता है आदमी, ये भी आपको मालूम है। तो आपकी बुद्धि को उसी दशा में, जड़ता में या भ्रष्टता में ले जाने वाली शराब है। जुए में आदमी गौ के वश में हो जाता है। तो नारायण जिस कर्म से जड़ता की प्राप्ति होती है, आलस्य है, निद्रा है, प्रमाद है, तो
इनसे बचाने के लिए चले थे कर्म करने और आ गई बुराइयां। नारायण जुआ खेलने लगे, चोरी करने लगे। अब शास्त्र संत ने कहा कि नहीं बेटा, कर्म तो करो लेकिन जो मर्यादा के अनुसार है, विहित है, शास्त्रों में तुम्हारे लिए कहा गया है, तुम्हारे नए के अनुरूप है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के अनुरूप है, वो कर्म करो। ऐसा जब वो काम करने लगे, गैर कानूनी काम नहीं करते, इसका मतलब ये है कि जो शास्त्र है ये भगवान के कानून की पोती है और हम जब उनके विपरीत काम करते हैं तो गैर कानूनी काम करते हैं। अब महाराज जब गैर कानूनी काम छोड़ दिया, शास्त्र के अनुसार जब काम करने लगे, तब उसमें दो बात हो गई। क्या दो बात हुई? कि आप कुछ चाह के कर्म करते हैं कि बिना चाहे काम करते हैं? भाई मेरे, ये सब निष्काम निष्काम जो होता है, निष्काम को ही तब लोग बोलते हैं, आप ध्यान में रखना। तो निष्काम निष्काम बोलते हैं तो ये भीतर से समझ के बोलते हैं कि बिना समझे? यदि हम समझ के बोलेंगे निष्कामता, तो निष्कामता बड़ी ऊंची चीज होगी, छोटी चीज नहीं होगी। एक कदम बाद जो चीज है उसको पाने की इच्छा भी इच्छा है, एक मिनट बाद जो चीज है उसको पाने की इच्छा भी इच्छा है, अपने सिवाय जो दूसरी चीज है उसको पाने की इच्छा भी इच्छा है। तो निष्काम कर्म का अर्थ आप समझो, वो नारायण सामान्य रूप से बाजार में जो किताबें चलती हैं उनसे वो जाहिर नहीं होता है। निष्काम कर्म को पहले उत्तम कामना से युक्त बनाओ, अपने कर्तव्य का हमें पालन करना है, पिता की माता की संत की भगवंत की सेवा करनी है। तो कर्तव्य पालन के लिए कर्म करना एक निष्काम कर्म की भूमिका ये है। केवल अपने कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए कर्म करना, दूसरा अंतकरण शुद्धि के लिए कर्म करना, ये निष्काम कर्म का कर्म योग का दूसरा रूप है। हमारे हृदय में सत्य की जिज्ञासा उदय हो इसके लिए, विविदिशा के लिए कर्म करना, नहीं साक्षात तत्व ज्ञान के लिए कर्म करना के लिए हो लगा हुआ है। ये निष्काम माने उत्तम कामना, भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करना, भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए कर्म करना। ये देखो, कर्तव्य पालन के लिए, अंतकरण शुद्धि के लिए, जिज्ञासा के लिए, ज्ञान के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए कर्म करना, इसका नाम कर्म योग होता है। अब जब कर्म करते हैं तब ये देखना कि ठीक है, कर्म तो करते हैं परंतु कर्माशक्ति तो कहीं नहीं हो गई कि हम यही यही करेंगे। एक होती है फलाशक्ति, इस काम से जो फल निकलेगा वो हमको वो हम भोगेंगे, और दूसरा होता है कर्माशक्ति, कर्म थूकता नहीं। तीसरी होती है कर्तृत्वाशक्ति, भाई ये नहीं करेंगे, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये करेंगे, कर्म तो बदलते जा रहे हैं परंतु अपना कर्तापन का भाव जो है वो पक्का होता जा रहा है। उसके बाद एक और है, कहीं सुन लिया कि आत्मा तो साक्षी है, दृष्टा है, अकर्ता है। तो सुन लिया कि आत्मा अकर्ता है और हाथ पांव बांध के बैठ गए और बोले हमको अकर्ता है, इसका नाम अकर्तृत्वा शक्ति है और ये भी मूर्खता की ही श्रेणियों में एक है, काम करना भी और न करना भी। तब जब तत्व ज्ञान होता है और अपने कर्तापन भोक्तापन, मन में पापी पुण्यात्मा हूँ सो, और मैं सुखी दुखी हूँ सो, ये भोक्तापन हुआ, और मैं नरक स्वर्ग में जाऊंगा सो, ये संसारी बना हुआ, इसी का नाम संसार है, और मैं एक कण,
ईश्वर में कण मानना, अपने आप को ईश्वर को कण कण बनाना है। हे भगवान, एक परमात्मा लाखों कण के रूप में, अणु के रूप में हो गया तो परमात्मा कोई अणुओं का समूह है नहीं, परमात्मा एक है। उसमें परिच्छिन्नता, उसमें परिच्छिन्नता की कल्पना भी एक अज्ञान मूलक भ्रांति कल्पना है। तो कर्मयोग कहाँ से शुरू होता है? निद्रा आलस्य प्रमाद को छुड़ाने से शुरू होता है। और समाप्त कहाँ होता है? हमको परमात्मा से एक करके तब समाप्त होता है। इसलिए कर्मयोग कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। और वो जो माला हाथ में लिया और धोती मैली और कुर्ता सफेद पहन के बाल बिखरे हुए निकले, बोले कर्मयोगी हैं। ऐसे कर्मयोगी नहीं हुआ करते। कर्मयोग में तो इतनी स्वच्छता है, इतनी निर्मलता है कि सारे के सारे मन जो है वो कर्मयोग से धुल जाते हैं, जल जाते हैं और ये आत्मा शुद्ध होकर परमात्मा से मिलने योग्य हो जाते हैं। पता नहीं वो सज्जन कैसे हैं, उनसे ये कहो कि यदि आपको रुपए गिनने के लिए दे दिए जाए और रात भर गिनने के हों तो आज आपको आलस्य निद्रा प्रमाद आवेगा कि नहीं? बिल्कुल आलस्य नहीं आवेगा। अच्छा, उनसे ये पूछो कि आज आपको एक ऐसे यार आने वाले हैं, स्त्री हो कि पुरुष, जिनसे मिलने की इच्छा आपके मन में बहुत दिनों से थी और आज किसी समय भी वे आ सकते हैं। आप देखो, पलंग पर आग बंद करके सो, नींद नहीं आवेगी, वो गोलियां बेकार हो जाती है, गोलियां बेकार हो जाती है। मन किसी से यदि आपका प्रेम हो, प्रेमी को निद्रा आलस्य प्रमाद नहीं होता है। वो पद आपने सुना होगा जरूर, सखी मोरी नींद नसानी हो, पिया को पंथ निहारते मेरी रैन बिहानी हो। तो सखी मोरी नींद नसानी हो, सखी मेरी नींद तो मिट गई, प्यारे का रास्ता देखते देखते सारी रात बीत गई। और प्रेमी लोग तारे गुनगुन के रात बिताते हैं, ये तो आपने सुना ही होगा। भागवत में श्री कृष्ण ने कहा कि पंडित जी, हमको रुक्मिणी की इतनी याद सताती है कि रात को नींद नहीं आती है ना, भागवत में बात कही है। तथा हम अपि तच्चित्तो निद्राम च न लभे निसी, सारी रात बीत जाती है और रुक्मिणी की याद करते करते भगवान को नींद नहीं आती है। अब सोचो कि आपको नींद आती है तो इसका मतलब ये है कि आपको प्यास नहीं है। प्यास लगी हो, जब गला सूखने लगता है, मुंह सूखने लगता है, कहीं नींद आती है, व्याकुल हो जाती है तबीयत। इसलिए जिससे प्रेम होता है उसका काम करने में, उसकी याद करने में, उसकी सेवा करने में, उसका भजन करने में नींद बिल्कुल नहीं आती है। रुपया गिनने में नींद नहीं आती है, जुआ खेलने में नींद नहीं आती है, क्लबों में लोग रात रात जग के आते हैं, संगीत के प्रेमी रात रात। हमारे एक मित्र है, उनको संगीत का प्रेम है और ये भी नियम है कि 4 बजे उठ के स्नान करते हैं और फिर पूजा और संध्या वंदन सूर्योदय से पहले करते हैं। और यही केवल सूर्योदय के बाद देते हैं। हम जानते हैं उनको अब से कोई 40 वर्ष से जानते हैं, रात भर संगीत सुनते हैं, 10 बजे के बाद तो संगीत का अखाड़ा जमता है और 4 बजे वो संगीत में से उठते हैं और स्नान करके अपना नित्य नियम पालन करते हैं
प्रातः काल भले सूर्य को अर्घ देने के बाद कुछ खा पी के सो जाए, ये तो होता है, परंतु रात के समय न उनके बीच में कोई बाधा पड़ती है और न तो नियत नित बाधा पड़ता है। इसलिए भाई मेरे, आप अपने प्रेम को तौ लो, ये नींद आपकी रुचि पूरी नहीं है इस बात की चुगली करती है। ये आलस आके बताता है, दूसरा काम हो तो उसमें मन लग जाए, भजन के काम में मन न लगे, थोड़ा रोना चाहिए, थोड़ा पछताना चाहिए, थोड़ा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। अब आप लोगों को तो नहीं बता सकते हैं, हमको पहले जब करते समय नींद आती थी तो हम एक हाथ से अपना कान इतने जोर से ऐसे थे कि 5-10 मिनट तक तो नींद नहीं आती थी, और जब फिर आने लगे तो फिर एक चपत लगाया कस के अपने गाल पर अपने हाथ से, नींद कैसे आ रही थी। एक नारायण स्वामी जी थे, उनको एक संत का अनुभव एक किताब पहले सत्य करते थे, तो ऋषिकेश में पहले रहते थे, मैंने दर्शन किया था उनका, तो वो रात को सोते नहीं थे, खड़े रहते थे, तो खड़े रहने पर भी उनको नींद आने लगती थी। अब वो क्या करते कि अपनी जो चोटी थी, चोटी वाले संत थे वो, तो अपनी चोटी एक रस्सी में बांध के और ऊपर कहीं बांध देते थे, जब झोंका आता देर होता, जब छोटी जैसे भगवान ने खींच के कह दिया हो कि क्या सोते हो। अच्छा, इसके लिए ऐसा भी करें कि जब बैठे बैठे नींद आने लगे तो थोड़ा टहल लें, हाथ पांव धो लें, थोड़ा पानी पी लें, मिश्री की एक डली या काली मिर्च मुंह में डाल लें, ना रहे। इस तरह से यदि आप प्रेम से करना चाहेंगे तो जबरदस्ती भी कर सकते हैं, पर जबरदस्ती न करें तो 15-20 मिनट के लिए विश्राम कर लें, फिर आपके मन में प्रस्ताव आएगा कि हाय हाय भजन छूट गया, हम तो सो रहे हैं, तो आप उसको प्रेम से भजन करेंगे और रोज भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भजन में नींद ना आवे होगा और नींद मिट जाएगी। मैं तो रोग रोगी से पूछते हैं, हाँ बिल्कुल, आए मोरे सजना फिर गए अंगना, मैं बौरी रही सोई रही, फिर आपको पछतावा, यदि पश्चाताप आने लगेगा तो नींद कम हो जाएगी। पश्चाताप और परमात्मा की प्रार्थना। आपका ही प्रेम हुआ है तो बात मजेदार, यदि पूछने वाले सामने आ जाए तो हम उन्हीं से करके बताते हैं। देखो भाई, हमारा प्रेम तो अपनी माँ से हुआ है, भोजन खाने की चीज से हुआ है, अपनी बहन से हुआ है, पत्नी से हुआ है, बेटे से हुआ है, मित्रों से हुआ है, और ईश्वर कृपा से भगवान सबको सरकाते गए सरकाते गए, खुद आके बैठ गए, अब हम क्या करें, वो तो हमारे ताले चलते नहीं है। तो प्रेम तो सच पूछो, ईमानदारी के साथ मैं बताऊं आपको, तो मनुष्य के साथ मेरा प्रेम है, जैसे मोर का बादल के साथ प्रेम है, ऐसे मेरा प्रेम मनुष्य के साथ है। और तो प्रेम अप्रेम की बात नहीं करते, परंतु न मानुसात श्रेष्ठ कर्म किंचित, मनुष्य से बड़ा और कोई नहीं है। हम एकांत में भी जाते हैं, हिमालय में भी जाते हैं, कमरा बंद करके भी रहते हैं, लेकिन हम देखते हैं तो हमको आदमी चाहिए, खाना मिलने पर भी, पीना पहनना मिलने पर भी, दवा मिलने पर भी, सेवा मिलने पर भी, हमको मनुष्य की जरूरत मालूम पड़ती है। बिना मनुष्य के हम घंटे दो घंटे दिन दो दिन 10 दिन रह सकते हैं, परंतु मनुष्य के बिना हमसे रहा नहीं जाता है। तो जैसे दुनिया भर के मोर बादल से प्रेम करते हैं,
वैसे हमने जांच पड़ताल करके देखा है हमारी मनोवृत्ति मनुष्य से प्रेम करती है और मनुष्य के रूप में साक्षात भगवान है वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुधर्मिका नारायण सबके रूप में सर्व सर्वगत सर्व उपरालय एक रूप नहीं है भगवान का, एक नाम नहीं है भगवान का, एक क्रिया नहीं है भगवान की, एक स्थान नहीं है भगवान का, हमारी तरह झोपड़ी बना के कहीं नहीं रहते हैं, एक टाइम नहीं है भगवान का और कुछ सब समय में माने अभी है और सब स्थान में माने यही है, सब रूप में माने यही है और उनमें मैं और भगवान का भेद नहीं है। पूछा है गुरु प्राप्ति कैसे होती है, क्या प्रयास करना आवश्यक? देखो जिसको वकालत सीखनी होती है वो बड़े वकील के पास रहता है, जिसको डॉक्टरी सीखनी होती है वो बड़े डॉक्टर के पास रहता है। जरा अपना अभिमान और अपनी मान्यताएं जो है उनको कम करके और जो चीज आप नहीं जानते हैं और जानना चाहते हैं उसको जानने वाले के पास जाइए। गुरु की प्राप्ति के लिए अपनी समझ से जो जो हमने मान्यताएं बनाई हैं उनको ढीला करने की आवश्यकता होती है कि यदि गुरु जी समझा रहे हैं ये तुम्हारी मान्यताएं गलत हैं तो उनको मानने के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि है सब की सब मान्यताएं एक अद्वितीय परमात्मा को छोड़ करके, एक ज्ञान अखंड एक सीतावन को छोड़ करके और जो ज्ञान है उनके साथ अज्ञान मिला हुआ है। तो जब तक अपनी मान्यता अपने ज्ञान अपनी भावना पर डटे रहेंगे तब तक उनका अभिमान अपने में बना रहेगा। जब आकार संबंधी आग्रह विकार संबंधी आग्रह प्रकार संबंधी आग्रह नहीं ये इसी शैली से हमको तो इसी शैली से जाना है तो बोले भाई हमको तो इसी शकल को मानना है तो ठीक है गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं, तो हमको तो ये विकार अपने जीवन में रखना ही है तो गुरु के पास जाने की क्या जरूरत। ये संस्कार जो हमारी बुद्धि में पड़ गया है यही सही है तो फिर गुरु के पास जाने की क्या जरूरत, तो हमको तो इसी शैली से चलना है तो फिर गुरु के पास जाने की क्या जरूरत। तो अपने माने हुए आकार विकार प्रकार और संस्कार इनसे मुक्त होने की यदि इच्छा हो और नारायण गुरु को यथार्थ परमार्थ का अनुभव है ये विश्वास हो जाना चाहिए। लेकिन गुरु की क्या जरूरत है, यदि आपके मन में दुविधा है संशय है तो जाइए अपने संशय को निवृत्त कर लीजिए। और गुरु को ऐसे भी होते हैं जो साक्षात परमात्मा से मिले हुए हैं और परमात्मा को मिलाने में एक क्षण का भी विलंब नहीं है ये बात जानते हैं। केवल तिल के रूप में पहाड़ छिपा है, परमात्मा कहीं छिपा हुआ नहीं है, परंतु न तो गुरु में ऐसा विश्वास होता है न इतना विश्वास शिष्य होता है। हमारे पास तो बड़े अकेले आते हैं कहते देखो महाराज आप वेदांत की बात हमको बता दो, आप खूब जानते हो बढ़िया, लेकिन राजनीति की चर्चा हमारे पास मत करना क्योंकि वो तो मैं समझता हूँ। तो एक ज्ञान उनको है एक ज्ञान हमको है, आधे आधे ज्ञान वाले हो गए ना तो दोनों अधूरे। तो भाई गुरु की प्राप्ति जो है तो उसको उपशक्ति बोलते हैं, उसके पास जाना, शरीर के पास नहीं, भाव के पास नहीं, विचार के पास नहीं, उसकी आत्मबुद्धि जहाँ है वहां पहुंचने का प्रयास करना ये गुरु की प्राप्ति का उपाय है। पूछा
संभव है कि गुरु जी के जो आचार विचार हैं वही सच। जब तक आपको द्वैत खटकता है दुनिया में तब तक विवेक में पूर्णता नहीं है। तो आचारों का भी जो बंधन है, विचारों का भी जो बंधन है, उसको छुड़ाने के लिए भी ऐसे गुरु की जरूरत होती है जो आचार और विचार से परे हो। आप गुरु के आचार विचार को कौलिए मत। देखिए कि संसार के लोग जो आचार विचार में जकड़ के मर रहे हैं, उनको मृत्यु से छुड़ाने के लिए वो आचार और विचार की उपेक्षा करके भी नारायण जीवन मुक्ति का जो विलक्षण सुख है उसको प्रकट कर रहा है। आपका आचार विचार किताबों में से निकलता है। आज जहां से किताबें निकलती हैं वो चीज गुरु की आत्मा में भरपूर भरी हुई है। तो जिसको आप गुरु मानते हैं उसके आचार विचार आपको बहुत ऊंची शिक्षा देने के लिए है। आप अपने स्तर से ऊपर उठ कर देखिए। जैसे आपके मन में विकार होते हैं वैसे गुरु के मन में विकार नहीं है। जैसे संस्कार में आप बंधे हुए हैं वैसे संस्कार में गुरु बंधे हुए नहीं है। जिन प्रकारों में आप फंस गए हैं वो गुरु का प्रकार नहीं है। आप कसौटी रखते हैं अपनी नाना छोटी सी, जिसमें न तत्व का ज्ञान है न भगवत साक्षात्कार है न समाधि है, ऐसी तो कसौटी रखते हैं और गुरु जी को उस पर तौलने के लिए जाते हैं। भाई मेरे, ज्यादा हिमाकत नहीं करने के लिए। और यदि आपको अपने आचार विचारों में इतनी दृढ़ता हो तो जो गुरु आपके आचार विचार के विरुद्ध हो उसको छोड़ दीजिए। गुरु तो आपको पकड़ने के लिए आता ही नहीं है। डरिए मत। लेकिन इस तरह आपको इतने गुरु बनाने पड़ेंगे कि आपका मन, आपकी मान्यता, आपके विचार और उसके अनुसार चलने वाला गुरु माने वो आपका चेला होगा कि गुरु होगा। तो आप अपने विचार को, आचार को वो जैसा उपदेश करता है उसके अनुसार बनाएंगे। गुरु मर गया हो तो भी, जिंदा हो तो भी, ना गुरु का जो गुरुत्व है वो तो भगवान का है और उसके जो विचार हैं नारायण वो भगवत संबंधी विचार हैं और वो आपको संसार के बंधनों से छुड़ाने वाले हैं। कोई आचार विचार, कोई संस्कार, कोई आकार, कोई विकार आपको बांधे नहीं। गुरु रोज वहां पहुंचाने वाले होते हैं। वो आपके कायदे के भीतर रहने वाले का नाम तो गुरु है ही नहीं। गुरु वो है जिसके कायदे के भीतर आप रहने की कोशिश कर सकते, जिसको आप अपने कायदे के भीतर रखने की कोशिश करते हैं वो गुरु नहीं है। पहले जीवन मुक्त हो लीजिए। सुनो, ये वेदांती लोग एक चर्चा करते हैं कि पंचदशी में है कि दो सहेलियां थी गांव में, दोनों लड़कियों में बहुत प्रेम था। एक का विवाह हो गया और एक अनब्याही हो गई। तो जब विवाही स्त्री ससुराल से लौटी तो जो अनब्याही थी उसने पूछा कि बहन ब्याह होने पर क्या विशेष सुख मिलता है। तो उसने कहा बहन थोड़े दिन ठहरो, जब तुम्हारा ब्याह हो जाएगा तब तुमको मालूम पड़ जाएगा। वो ब्याह होने के बाद का जो सुख है वो अनब्याही को कैसे बताया जाए। तो जीवन मुक्ति का जो विलक्षण सुख होता है जिसमें महाराज सारे पशुत्व, जाति पशुत्व, शास्त्र पशुत्व, धर्म पशुत्व, ईश्वर पशुत्व, संपूर्ण समाधि पशुत्व, नारायण सभी प्रकार के पशुत्व जिसमें निवृत्त हो जाते हैं। नहीं तो अन्योषावन्योऽस्मि पशु रेव सदैवानाम। जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख है परम स्वातंत्र्य, जिसके सुनो आपने सुना होगा। एक बार गौरी शंकर भगवान कहीं जा रहे थे, बीच में मिल गए सनत कुमार, तो बच्चे की तरह खेल रहे थे। सो खेलते खेलते उन्होंने शंकर जी को नमस्कार नहीं किया। नमस्कार नहीं किया तो पार्वती जी नाराज हो गए कि इन्होंने हमारे पति को, परमेश्वर को नमस्कार नहीं किया। अरे जाओ तुम ऊँट हो जाओ।
और पार्वती जी ने साप दे दिया और सनक कुमार जो है ठीक हो गए। कुछ दिन बीत गए तो एक दिन याद आई पार्वती जी को कि हमने सनक कुमार को साप दे दिया था और वो हो गए थे। तो अब उनका क्या हाल चाल है? शंकर जी से उन्होंने कहा कि चलो देखते हमें। अब महाराज गौरी शंकर दोनों गए तो एक नीम से नीचे बैठ के ऊंट के रूप में सनक कुमार जी जुगाली कर रहे थे। गए, पूछा पार्वती जी ने, क्या हालचाल है बेटा? है तो देवर, क्या हालचाल है? बोले बहुत बढ़िया किया तुमने, रोज हमको स्नान करना पड़ता था सो उससे छुट्टी मिल गई। भोजन के लिए भिक्षा लेनी पड़ती थी उससे छुट्टी मिल गई। अब तो नीम के नीचे खड़े खड़े होके पत्ते खा लेते हैं नीम में से और खड़े खड़े हग लेते हैं। ना आप दस्त लेने के लिए पानी चाहिए, ना नहाने का जगड़ा, न संध्या वंदन, न जनेऊ। माता जी तुमने तो हमको जीवन मुक्ति का विलक्षण सुन दिया। तो इसका नाम है बाबा कि ऊंट हो तो भी हमने अपने मन मन से हो, गीता जब पढ़ता था ना तो अपने मन मन से बचपन में पढ़ता था ऐसे कि मान लो मैं ऊंट हूँ और भगवान हमको उपदेश कर रहे हैं स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो में आवा, भूजा धोया करो और खूब मजे से नंगे रहो और खाओ और बिचरो। और फिर कभी सोचता कि मैं तो साक्षात वशिष्ठ हूँ, रामचंद्र को उपदेश करता हूँ मैं। हाँ अब देखो पुरोहित ठीक ठीक करना, दशरथ जी के कर्मकांड में कोई बाधा नहीं पड़े। तो नारायण ये जो जीवन मुक्ति में जो स्वातंत्र है जिसमें जाति पशुत्व, संप्रदाय पशुत्व, धर्म पशुत्व, ईश्वर पशुत्व, सब पशुत्वों से मुक्ति मिल जाती है उसका नाम जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख होता है। परम स्वातंत्र का ही नाम जीवन मुक्ति का विलक्षण होता है। स्वातंत्र्यात् परमं पदम, स्वातंत्र्यात् सुखम आप्नोति सर्वं परमं दुःखम।